प्राचीन काल में हम नेतृत्व किया करते थे पूरी दुनिया का, आज हम रसातल में जा चुके हैं। पूरा बिहार का शिक्षा जो व्यवस्था है वो 100% का समाप्त हो जाना, एक अयोग्य इंसान बन जाना, मजदूर बन जाना। तो बिहार की चिंता इसलिए है क्योंकि पूरा बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। लेकिन अनिल जी, आपने जिस तरीके से बोला मजदूरों का जो हब है वो बिहार बन गया, लेकिन सवाल ये है कि आईएएस और आईपीएस तो सबसे ज्यादा बिहार से ही जाते हैं, पहले होते थे, आजकल नहीं। संत माइकल का बच्चा बन रहा है, डॉन बॉस्को का बन रहा है, जेबियर का बन रहा है, पटना सेंट्रल का बन रहा है, नॉटरे डेम का बन रहा है। किस तथ्य पे बोल रहे हैं आप अनिल जी? किस तथ्य पे? 100% तथ्य पे बोल रहा हूँ जी। जो भी सफल लोग हैं उनके लाइए बायोडाटा, लाइए ना, कौन सा बन रहा है जी सरकारी विद्यालय का, जब कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण ही नहीं है। गरीब का बेटा गरीबे बनते जा रहा है, सारे के सारे ट्रेन में ठूस ठूस के मजदूर जा रहा है दिल्ली बेंगलोर कोलकाता, और जा करके कमा रहा है, फिर वहां अंत में पीटा भी रहा है। बिहार में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है और लगातार रोजगार के लिए लोग पलायन कर रहे हैं। कई सारा तस्वीर सामने निकल के आता है हमेशा, बिहार के जो मजदूर हैं अनेक जगहों पर जाके काम करते हैं क्योंकि बिहार में रोजगार ही नहीं है। लगातार रोजगार पर सवाल खड़ा होता है, बिहार सरकार लगातार अपना पीठ थपथपाती और कहते हुए नजर आती है कि बिहार में तो हम रोजगार दे ही रहे हैं, हमारी सरकार बनी है जब से हम तो रोजगार दे ही रहे हैं, बिहार में बेरोजगारों को रोजगार दे के आगे तो हम बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल है कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाते हैं। आज चर्चाएं करेंगे रोजगार पे, हम पलायन पे आज हम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बिहार के एक बेरोजगार शख्स भी हैं। अनिल से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अनिल, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अनिल जी, सवाल ये है कि लोग पलायन आखिरकार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो सरकार तो हमेशा कहते हुए नजर आती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पलायन आखिरकार क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, पलायन सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है जी। अगर कोई पलायन करता है बिहार से, अच्छा नौकरी करता है, बढ़िया नौकरी के लिए पलायन करता है, तो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बिहार सरकार के कई ऐसे अधिकारी हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो भी दूसरे राज्य से आए हैं जी। कई गो तो मैं सुना है चर्चा में था कि महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई आंध्रा से है, और वो बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है पलायन से, समस्या ये है कि एक मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है बिहार। पूरा बिहार का शिक्षा जो व्यवस्था है वो 100% का समाप्त हो जाना, और पूरा का पूरा नौजवान एक बेरोजगार बन जाना, एक अयोग्य इंसान बन जाना, मजदूर बन जाना। तो बिहार की चिंता इसलिए है क्योंकि पूरा बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है। आज देश में कहीं भी आपको कोई 10, 50, 100, 200 मजदूर चाहिए तो उसके दिमाग में कहीं बात आता है, जाओ बिहार लाओ मजदूर। बिहार से सिर्फ मजदूर की सप्लाई होती है जी। प्राचीन काल में हम नेतृत्व किया करते थे पूरी दुनिया का, आज हम रसातल में जा चुके हैं। लेकिन सबसे पलायन मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि हम बाहर जाते हैं तो खाना बदोश जीवन जीते। लेकिन अनिल जी, आपने जिस तरीके से बोला मजदूरों का जो हब है वो बिहार बन गया, लेकिन सवाल यह है कि आईएएस और आईपीएस तो सबसे ज्यादा बिहार से ही जाते हैं, पहले होते थे, आजकल नहीं, आजकल नहीं है जी। मैं आपको कह दूं, आप इसको सूचना को सही करिए जी। और कुछ आईएएस आईपीएस बन भी रहे हैं जी, वो अमीर घराने के बच्चे बन रहे हैं, गरीब के बच्चा कभी बन ही नहीं सकता महाराज, पढ़ाई नहीं होता, यही तो बात मैं कह रहा हूं। संत माइकल का बच्चा बन रहा है, डॉन बॉस्को का बन रहा है, जेबियर का बन रहा है, पटना सेंट्रल का बन रहा है, नॉटरे डेम के बन रहा है। किस तथ्य पे बोल रहे हैं आप अनिल जी? किस तथ्य पे? 100% तथ्य पे बोल रहा हूँ जी। जो भी सफल लोग हैं उनके लाइए बायोडाटा, लाइए ना, कौन सा बन रहा है जी सरकारी विद्यालय का, जब कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण ही नहीं है। गरीब का बेटा गरीबे बनते जा रहा है, सारे के सारे ट्रेन में ठूस ठूस के मजदूर जा रहा है दिल्ली बेंगलोर कोलकाता, और जा करके कमा रहा है, फिर वहां अंत में पीटा भी रहा है जी। सब जगह तो लात जूते खा ही रहे ना बिहारी, बिहारी तो गाली बन चुका है। कभी आसाम में घटना होता है तो कभी दिल्ली में होता है, कभी महाराष्ट्र में होता है, कभी गुजरात में होता है, तो बिहारी शब्द एक गाली बन चुका है। मैं खुद बिहारी हूँ और मैंने काम किया है नोएडा और गुड़गांव में जी। क्या बिहारियों पर बीतता है ना, वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मैं NIT से पढ़ा हूँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बिहारी बोला जाता था। इन लोगों ने, बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद कर दिया, नेस्तनाबूत कर दिया, बिहार की छवि को इतना धूमिल कर दिया जी। कि देश और दुनिया के सामने अब एक ही छवि है कि बिहार मजदूर की फैक्ट्री है, वहां समझदार लोग नहीं रहते हैं जी।
तो सारे बच्चे को आपने अनपढ़ बना दिया, मानसिक रूप से विकलांग बना दिया, वो मजदूर बन गए, तो दुनिया के सामने छवि बन गई कि बिहार में सिर्फ मजदूर होता है जी। बात बस इतना ही है, पलायन से उतना समस्या नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ अगर उद्योग धंधा लगे, हमारे यहाँ कोई संसाधन हो, यही काम करे तो ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अगर बाहर भेजा और सम्मान के साथ काम करे तो सम्मान के साथ क्या काम करेगा जी, कोई पढ़ा लिखा होता ही नहीं है, सबके सब मजदूर होता है। जाइए ना, संपूर्ण क्रांति पटना से खुलती है, दिल्ली जाती है जी। आप रिजर्वेशन कटाए भी रहिएगा ना, तो आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मजदूर से ठसम ठस भरा होता है, यह हकीकत है। अनिल जी, आपने बोला कि प्रताड़ित किया जाता है बिहारियों को, जहाँ जॉब करते हैं पूरा प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ कहा जाता है कि तुम बिहारी हो, बिहारी हो। आपने बताया हमने NIT जमशेदपुर से पढ़ा है, हमने बाहर में नौकरी की है, गुड़गांव में हमने काम किया है, तो वहाँ आपको क्या कहा जाता था, बिहारी? बिहारी कहा जाता था, क्यों बिहारी जी? ये तो कहिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से स्मार्ट रहा हूँ, कोनो दिक्कत नहीं है, तो हमें कोनो बिहारी कह के हमें कोनो डेमोरलाइज नहीं कर सकता, हम जहाँ रहे हैं शान से रहे हैं जी, तो हमें कोई डेमोरलाइज नहीं कर पाता था, लेकिन वो उसका इंटेंशन होता था जी, ठीक है ना। तो आप अगर एक मजबूत इंसान रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो आपको कोई डेमोरलाइज कर पाएगा? कौन माँ का दूध पिया है जो डेमोरलाइज कर पाएगा? तो हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षा व्यवस्था है जो 100% समाप्त हो गया है, और बिहार के गरीब के बच्चे के पढ़ने का जो जगह है सरकारी विद्यालय, अब वो समाप्त हो गया है, उसको विलंब सुधारा जाए, वरना बिहार गर्त में चला जाएगा और कोई भविष्य नहीं रहेगा बिहारियों का, बिहारी समाप्त हो जाएंगे, मजदूर बन जाएगा, कभी विकास नहीं कर पाएगा, गरीब गरीब बनता चला जाएगा, अमीर अमीर बनता चला जाएगा, ठीक है। इसलिए गरीब गरीब बनता चलाएगा, बिहार के सामने बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार को सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, बिहार के सरकारी विद्यालयों का शिक्षा व्यवस्था आप ठीक कर दीजिए ना, बस कुछ मत करिए, मत लगाइए ना। क्या शिक्षा व्यवस्था से पलायन बंद हो जाएगा, एकदम रोजगार हो जाएगा क्या बिहार में? फिर पलायन बात आप कर रहे हैं जी, मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ तमिलनाडु से, आंध्र से और महाराष्ट्र से बिहार में आकर के काम कर रहे हैं ना जी। अभी कौन है कैबिनेट सेक्रेटरी, कौन है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरिएट जी? एस सिद्धार्थ जी, बिहारी है क्या? वो भी बाहर से आए काम कर रहे हैं ना जी, वैसे वैसे ढेर सारे अधिकारी है ना। अभी कौन है यहाँ का DM है, मोतिहारी का DM है, ये सब बाहर के लोग हैं कि नहीं है? ये सब पलायन करके आए ना जी बिहार में, बिहार में काम कर रहे हैं, तो पलायन है ना, पलायन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा करके काम करना, तो काम करना गड़बड़ नहीं है जी। ये लोग महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई तमिलनाडु से, आंध्र से आकर के काम कर रहे हैं, ये कम ये खराब चीज नहीं है, काम है, हम एक हैं, भारत एक है, काम होना चाहिए, आने जाने पर स्वतंत्रता है, लेकिन कोई एक अधिकारी के रूप में काम कर रहा है, बिहार बाहर जाकर के एक मजदूर बन के काम कर रहा है, मजदूर की फैक्ट्री बन चुका है बिहार, तो हम चाहते हैं कि बिहार एक प्रबुद्ध लोगों की फैक्ट्री बने, संपन्न लोगों की फैक्ट्री बने, हमारे सम्मान हो देश और दुनिया में, एक बिहारी को चमकने से थोड़ी ना पूरा बिहार चमक जाएगा जी जी है? तो हर एक चीज में सुधार की जरूरत है, बिहार मजदूरों का जो फैक्ट्री बन चुका है उसको सुधारने की जरूरत है, और ध्वस्त शिक्षा का मॉडल उसको आप बनाइए ना, सब लोग पढ़ लेगा, बढ़ जाएगा, सबके पास स्किल हो जाएगा, समझदारी हो जाएगा, तो अच्छा रोजगार नौकरी सब खोज लेगा इस देश जी। आपके हिसाब से रोजगार कैसे मिलेगा, प्लान कैसे रुकेगा? देखिए, एजुकेशन का जो मॉडल है जी, है ना, उसको सबसे पहले आपको सुधारना होगा, कुछ नहीं करना है जी, कोई मिरेकल नहीं है। अमेरिका क्यों सशक्त है जी? नक्शे पर बना हुआ जो मानचित्र होता है ना, वो देश नहीं होता जी, मानचित्र राज्य नहीं होता, मानचित्र वहां के लोग होते हैं, राज्य वहां के लोग होते हैं, देश वहां के लोग होते हैं। अगर बिहार के सब लोग पढ़ जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, अनिल जैसे हो जाएंगे, अभिषेक जैसे हो जाएंगे, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगा जी। लेकिन अनपढ़ रहेगा, जाहिल रहेगा, जिसको कुछ नहीं बुझाएगा, मानसिक रूप से विकलांग होगा, उसको कहीं भी चार थप्पड़ मार के दबा दिया जाएगा जैसे दबाया जाता है। जाइए ना ट्रेन में, आप ट्रेन में जाइए ना, आप संपूर्ण क्रांति में कहीं नहीं जाते, चलिए एक दिन संपूर्ण क्रांति आपको ले चलते हैं, चलिएगा संपूर्ण क्रांति में, चलिए पटना जंक्शन पे जी, फिर हम हाल दिखाते हैं बिहार का। बिहार पटना में नहीं है। आप मैं जब गांव में गया, चंपारण से जब चला, मोतिहारी से जब चला और पटना आ रहा था, तब रास्ते में मुझे बिहार मिला। बिहार पटना नहीं है, बोरिंग रोड बिहार नहीं है, अन्य मार्ग बिहार नहीं है,
ये जो एलिट जोन है ना, ये बिहार नहीं है, सचिवालय वाला इलाका जो है, सचिवालय थाना बिहार नहीं है, बिहार तो गांव में है, जहां बेरोजगार रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, मानसिक रूप से विकलांग लोग रहते हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाया। शिक्षा अगर मिल जाता तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा ले लेता। वो इतना का वेरिएशंस है कि एक गांव का बच्चा जी को अगर अच्छा एजुकेशन मिल जाता तो अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा ले लेता। वही बच्चा आज, वो बच्चा मानसिक रूप से विकलांग है और मजदूरी कर रहा है वो जाकर के बाहर, दिल्ली गुड़गांव में या फिर गुजरात में। इतना का वेरिएशन है, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिहार रसातल में जा चुका है जी। मैं एक बच्चा से मिला, 5 साल का बच्चा था, 5 साल का एक बच्चा था। मैंने पूछा कि क्या, मैंने अपने कंधे पर फोटो पोस्ट किया है, मैं आपको भेज दूंगा। मैंने पूछा कि बाबू क्या बनना चाहते हो? बोला डॉक्टर बनना चाहते हैं। गरीब का बेटा, वो कभी जीवन में डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा डॉक्टर? क्योंकि वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, सरकारी विद्यालय में टीचर है ही नहीं है, पढ़ाई का कोई वातावरण ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती। और जब आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो बिहार के जितने भी हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेज हैं उसके कोर्स स्ट्रक्चर इंग्लिश में है। इंग्लिश नहीं जानेंगे तो आप डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। हिंदी में कहीं पढ़ाई होता है मेडिकल कॉलेज का तो आप हमें बता दीजिए। आपने ट्रेन की अनिल जी कुछ देर पहले बात की थी, चलिए ना, ये संपूर्ण क्रांति ट्रेन पटना से दिल्ली जाती है। आप चलिए, आप भी गए हैं वैसे? फोटो भेज देंगे। मैं भी गया था, मैं तो रिजर्वेशन से गया था। ट्रेन में क्या देखा? देखा ये कि एक बॉगी में जितना रिजर्वेशन करा के रखते हैं लोग, उससे 5 गुना लोग घुसे हुए मजदूर बिना टिकट का। हमें तो दया रहा था ना, मेरा तो दिल धड़कता है गरीब बिहारियों के लिए, और हमेशा धड़कता रहेगा। मैं कभी गरीब बिहारी को मैं अपने सीट पे बैठाया, 3-4 लोगों को बैठाया अपने सीट पर। लोगों से आपने बात करने की कोशिश की? हाँ, सब लोग क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, वो सब अनपढ़ लोग था। गुड़गांव में काम करता था, छुट्टी में आ रहा था, जा रहा था, बस इतना बात था। मजदूर है बस, गरीब लोग हैं। हमें तो दया आता है उसको देख करके। मैं पूरे यात्रा में, 23 तारीख को मैं यात्रा किया, 23 तारीख के यात्रा में मैं अपने सीट उनको दे दिया, और एक सीट पर स्लीपर वाला, 4-5 लोग बैठा, मैं पूरे रात यात्रा बैठ करके आया, बातचीत करते आ गया, पूरी रात बातचीत किया। अब इतना तो, ये तो बेशर्मी हो जाता ना कि मैं सो करके आता, मेरे साथ ही मेरे साथ बिहार के लोग खड़े हैं, तो मुझसे नहीं होगा ऐसा, मुझसे नहीं होगा ऐसा। चलिए, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेज है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेज है। आज आप पत्रकार हैं अभिषेक भाई, अगर आपको शिक्षा नहीं मिलता तो आप एक मजदूर होते जी, कहीं नाली गली साफ करते होते, ईंट भट्टे पर काम करते होते जी। आज अनिल जो इतना कड़क करके बात कर रहा है, पढ़ लिख करके NIT से पढ़ा, आज बात कर रहा है बिहार विकास की, बात कर रहा है बिहार निर्माण की, बात कर रहा है। अगर यही अनिल पढ़ा नहीं होता तो एक मजदूर रहता और नाली गली साफ किए रहता, करते रहता, और फिर कोई बात नहीं होता। तो आप समझते हैं, एजुकेशन चेंज कर देता है जनरेशन को, एजुकेशन चेंज करता है किसी स्टेट को। अमेरिका दुनिया का महाशक्ति है, क्यों भाई? क्योंकि उसका नाम अमेरिका है? नहीं, अमेरिका के लोग पढ़े लिखे समृद्ध हैं, ताकतवर हैं, इसलिए अमेरिका अमेरिका है। अगर अमेरिका के सब लोग बिहार आ जाए जी, और बिहार के सब लोग अमेरिका चला जाए, अमेरिका का सबसे समृद्ध जो स्टेट है वो न्यूयॉर्क है जी, तो बिहार का सब लोग न्यूयॉर्क चला जाए जी, और न्यूयॉर्क के सब लोग बिहार चला जाए, तो पता चलेगा कि न्यूयॉर्क शब्द गाली बन जाएगा। यानी कि आपका कहना है बिहारी गाली है? बिहारी गाली अल्ले, आज पता चल रहा अभी तो बिहारी है तो हमको गाली दिया जाता था भाई। अच्छा। बिहारी शब्द गाली बन चुका है, नेताओं ने चूस गया, कुछ बचा ही नहीं, चूस करके और छोड़ के फेंक दिया, अब इसमें कुछ रस नहीं बचा है। चलिए, तो देखिए, अनिल थे हमारे साथ। बेरोजगारी हो या फिर पलायन हो, इस पे हम आज चर्चा कर रहे थे अपने कार्यालय में, अपने स्टूडियो में। तो वहीं अनिल का यह साफ कहना है कि बिहार कहीं ना कहीं ध्वस्त होते जा रहा है, लगातार शिक्षा व्यवस्था खराब होते जा रहा है, और जिस वजह से लोग पलायन करने को मजबूर है, अनेक राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि बिहार में रोजगार ही नहीं। अगर पढ़े लिखे समृद्ध लोग रहते तो ऐसा नहीं होता। नेताओं के द्वारा लगातार बिहार को
ध्वस्त किया जा रहा है, लगातार पीछे ढकेला जा रहा है। तो वहीं अनिल ने यह साफ कहा है कि मैंने भी कई बार ट्रेन से सफर किया है, तो वहीं कई लोगों से हमने मुलाकात किया है। सफर के दौरान कई सारी ऐसी तस्वीर हमने देखी है जो देखने लायक नहीं है। देखा जाए तो कई लोग अनपढ़ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से पलायन करके आते हैं, अपने घर को लौट के आते हैं पलायन करके, क्योंकि बिहार से बाहर जाके वो नौकरी करते हैं, रोजगार जो है कहीं ना कहीं बिहार में नहीं है, इस वजह से बाहर लोगों को जाना पड़ता है। अनिल ने साफ कहा है इस तरीके से, मैं बिहार भ्रमण कर रहा था शिक्षा बचाओ यात्रा के दौरान, वहां पर एक बच्चा मुझे मिला और बच्चा से जब हमने बात किया तो बच्चा से हमने जब पूछा कि आपको क्या बनना है, तो बच्चा ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन पॉसिबल कभी नहीं होगा कि वो डॉक्टर बनेगा क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। अनिल थे शिक्षक अभ्यर्थी, बिहार के बेरोजगार अभ्यर्थी भी हैं, लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।